सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस संसार में पुरुष पिता नहीं बन पाता तो उसके मन में एक अपूर्णता रह जाती है। ऐसे ही उसी प्रकार इस संसार में जो भी स्त्री माँ नहीं बन पाती उसके चित्त में जीवन भर के लिए एक वेदना रह जाती है, अपूर्णता रह जाती है, एक खालीपन रह जाता है। मुझसे कोई पूछे ना इस संसार की स्त्री जाति में जन्म लेने का अर्थ क्या है, सफलता क्या है, कुछ भी बन जाओ, यदि नारी जाति में जीवात्मा का, नारी शरीर में जीवात्मा आया और वो मां ना बनी तो कुछ नहीं बनी। और पुरुष शरीर में जीवात्मा आया है, वो पुरुष पिता नहीं बना तो कुछ नहीं बना। इस संसार की यात्रा की बात कर रहे हैं। इस पुरुष का जीवन तब सार्थक हो जाता है जिस दिन वो पिता बन जाता है। इस नारी जाति में जीवात्मा के आने का जो अवसर मिला है वो तब सार्थक होता है जिस दिन पिता बन जाता है। इसके बाद में फिर राजा बने या कुछ बने उसकी मर्जी। और इन दोनों से भी बड़ी उपलब्धि है मनुष्य के शरीर में, जो भी स्त्री के शरीर में या पुरुष के शरीर में जीव आया है उसका जीवन तब सार्थक हो जाता है जब वो भगवान का भक्त हो जाता है, जब वो भगवान के दर्शन प्राप्त कर लेता है। माता पिता बनना तो संसार की यात्रा का ये एक पड़ाव है, ये सांसारिक उत्कर्ष की बात है। पर कदाचित पूर्व जन्म के किसी योग के कारण माता पिता बनने का सौभाग्य ना मिला तो शास्त्र और संत कहते हैं भगवत प्राप्ति कर ली तो फिर संसार की समग्र उपलब्धियां आपके पास पहुंच गई, फिर क्या पाना शेष रह गया। सामान्य नियम की बात करते हैं, माता पिता बनना संसार के स्तर पर बड़ी बात है, पर भगवान को पा लिया तो तीनों लोकों में वंदनीय हो जाओगे। इसलिए भगवत प्राप्ति संसार की सब प्राप्तियों से बड़ी है, उसको पाने का प्रयत्न करना चाहिए। जो नहीं है उसके लिए रुदन करने की कोई आवश्यकता नहीं।